देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। सीबीआई जांच को मंजूरी मिलने के बाद लोगों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। सुशांत केस में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच शुरू कर दी और मुंबई पुलिस से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। इन दस्तावेजों में सुशांत की डायरी, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। अधिकारी, अन्य कर्मी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ से लैस सीबीआई की एक विशेष जांच टीम गुरुवार को यहां पहुंची थी। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह से ही मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस देश में अपने पैर पसारता ही नजर आ रहा है। वैसे रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है जो कि 74% हो गया है। वैसे इन बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन से लेकर उसकी दवा पर फोकस किया जा रहा है। इस बीच भारत की बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कोरोना वायरस की दवा लॉन्च कर दी है। डॉक्टर रेड्डीज ने फेविपिरावीर के जेनेरिक वर्जन को लॉन्च किया है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर आई है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार बारामुल्ला के आतंकी हमले में जहानाबाद जिले के शहीद जवान लवकुश शर्मा के परिजनों को सांत्वना देने उनके पैतृक गांव आयरा पहुंचे। जहानाबाद अरवल मोड़ पर जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, जिला महासचिव शैलेंद्र कुमार और जिला उपाध्यक्ष बालेश्वर यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष शहीद के पैतृक आवास पर पहुंचे पटना से उनके साथ प्रदेश वार्ड पंचायत अध्यक्ष अरविंद पंकज और वरिष्ठ दलित नेता साधु शरण चौधरी सत्येंद्र कुमार सिंह साथ पहुंचे थे। शहीद लवकुश शर्मा के पिता और उनकी विधवा पत्नी को आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से सांत्वना देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि लवकुश शर्मा ने देश के नागरिकों के जन माल की सुरक्षा के लिए आतंकियों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि दी है। वे अमर है। उनकी शहादत पर बिहार ही नहीं बल्कि समूचे देश को गर्व है। हम सभी लवकुश शर्मा की शहादत के नमन करते हैं। मेरे साथ खबरों में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश व्यापार न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।